ఎర్ర జొన్న రొట్టెలో నా విలప దుక్కు కరిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు. ఏ దీపికా ఆస్కర్ లుక్. मैंने ये लुक यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स के साथ क्रिएट किया है. सबसे पहले मैंने यूरोप गर्ल का हाइड्रोफिक्स मेकअप प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई किया. इसने मेरे सारे पोर्स लॉक कर दिए और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है. उसके बाद मैंने यूरोप गर्ल का फाउंडेशन लिया. इसका नंबर है बेस 2 नेचुरल रेडियंट. ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. इस फुल कवरेज देता है. इसके साथ आपको कंसीलर की भी नीड नहीं पड़ेगी. करेक्टिंग भी करता है, कवरेज भी देता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है. इसको लॉक करने के लिए मैंने यूरोप गर्ल का ही लूज पाउडर लिया. इसका नाम है EG040 बटर स्कॉच. इससे मैंने अपना फाउंडेशन लॉक किया. उसके बाद मैंने यूरोप गर्ल का पैलेट लिया, आई शेडो पैलेट, और मैंने इसमें से 2 कलर्स पिक कर कर अपने आईज पे अप्लाई करें. फिर मैंने इसका कंट्रोल किट लेकर अपने फेस पे कंट्रोलिंग किया. उसके बाद मैंने इसका ब्लश पैलेट लेके लाइट सा ब्लश उठाया क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉपी कलर्स नहीं थे मेकअप में, लेकिन इसके कलर्स बहुत अच्छे पिगमेंटेड हैं. आफ्टर ग्लो किट से मैंने एक लाइट सा हाइलाइटर उठा के अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई किया. हाइलाइटर के बाद मैंने काजल अप्लाई किया जो यूरोप गर्ल का ही है. मैंने सीक्रेट आईलाइनर की तरह अप्लाई किया, पहले अपने अपर आईलिड पर एंड देन मैंने लोअर लैश लाइन पे काजल को मर्ज करा अच्छे से, पाउडर लॉक भी करा. मेरे पास इसका मेकअप फिक्सर भी है, वो मैं वीडियो में डालना भूल गई थी. वो मैंने स्प्रे करने के बाद अपना लुक कंप्लीट करा. न्यूड सी लिपस्टिक शेड से मैंने अपने लिप्स पेंट किए एंड नाउ दिस इज़ अ फाइनल लुक.